एक ऐसा महाराज जो बेशरम है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी, ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। याद करिए, दुबले पतले से वो महाराज, डबल एक्सेल का शर्ट और उसके ऊपर ये कलम, जिस कलम में केवल एक बार ही रिफिल भरा गया था। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया था, मैं शपथ लेता हूं मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा, और बहुत सारी शपथ ली है, एक ही बार कम कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। मैं उस महाराज की हवस जो ऐसो आराम के लिए है, ऐसो आराम के लिए जो इस महाराज की हवस है, उसके हवस की कहानी सुनाऊंगा कि पैसे और ऐशो आराम के लिए किस प्रकार का इसका हवस है। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंड फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन में उनका सरकारी बंगलो है फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है, और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे, कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान में लाशें बिछी हुई थी, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं, कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर्ड नहीं है, कलर्ड फोटो देख लीजिएगा, एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।